कोरोना के नए खतरे के बीच नए साल की शुरुआत में बस अब एक दिन का ही समय बाकी है, लेकिन लोगों ने कुछ दिन पहले से ही न्यू ईयर ईव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। यही वजह है कि कोरोना संकट के बीच दिल्ली मेट्रो में काफी भीड़भाड़ देखने को मिल रही है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी DMRC ने एक अहम फैसला लेते हुए राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर रात 9 बजे के बाद एग्जिट पर पाबंदी लगा दी है। DMRC ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए बताया कि 31 दिसंबर को राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर एंट्री में कोई बाधा नहीं आएगी, लेकिन एग्जिट रूट ठीक 9 बजे बंद कर दिए जाएंगे। कोरोना गाइडलाइन का हवाला देते हुए DMRC ने ये फैसला लिया है। बता दें कि राजीव चौक दिल्ली NCR का सबसे ज्यादा भीड़भाड़ वाला मेट्रो स्टेशन है। कनॉट प्लेस के पास होने के कारण भी लोग इसी मेट्रो स्टेशन का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। कनॉट प्लेस में हर नए साल जबरदस्त पार्टियां आयोजित होती हैं। ऐसे में नए साल पर अधिक भीड़ होना लाजमी है। कोरोना के बीच प्रशासन चाहता है कि लोग कम से कम बाहर निकले और घरों पर ही सेलिब्रेशन हो, इसीलिए DMRC ने सिर्फ इसी मेट्रो स्टेशन को लेकर गाइडलाइन जारी की है। वहीं दिल्ली पुलिस ने भी साफ किया है कि हालातों के हिसाब से मेट्रो और ट्रैफिक के नियम में बदलाव किया जा सकता है, यानी अगर भीड़ ज्यादा होती है तो मेट्रो सेवा को कुछ घंटों के लिए बंद भी किया जा सकता है। ऑलरेडी जो है जो नई दिल्ली के रेंज के जॉइंट CP हैं, उन्होंने मेट्रो को एक चिट्ठी लिखी है। मेट्रो की सर्विसेज को सस्पेंड करना या नहीं करना वो एक मौका देखकर, परिस्थिति देखकर कार्रवाई की जाएगी। हमारी अपेक्षा ये है कि कोविड के कारण हो सकता है कि हर वर्ष की भांति इस बार लोगों का आना कम हो। यदि लोगों का आना कम होता है तो मेट्रो की सर्विसेज राजीव गांधी चौक पर सुचारू रूप से एज इट इज चलती रहेंगी, लेकिन यदि हमें लगा कि जो पेडेस्ट्रियन जो हैं काफ़ी इकट्ठे हो गए हैं और अब उसको रोक देना चाहिए, तो हम उसी वक्त मेट्रो से रिक्वेस्ट करेंगे और उनकी सर्विसेज को कुछ घंटों के लिए सस्पेंड कराएंगे। इसके अलावा DMRC ने कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए टोकन सिस्टम को कुछ समय के लिए बंद रखने का फैसला भी किया है। DMRC ने ट्विटर पर यात्रियों से अपील की है कि संक्रमण के खतरे को देखते हुए कैशलेस तरीकों का ही इस्तेमाल करें। तो अगर आप भी नए साल के जश्न के लिए CP आने का प्लान कर रहे हैं तो प्लानिंग से पहले एक बार हालातों का सही आकलन कर लें, वरना आप भी फंस सकते हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।